3-0 से शर्मनाक हार के बाद पूरी तरीके से टूट गए रोहित शर्मा। कोहली को गले से लगाकर अचानक रोते रोते कर दिया बड़ा ऐलान। पूरी टीम इंडिया में मच गया बवाल। बल्लेबाजी से लेकर कप्तानी सब कुछ भूल चुके हैं रोहित। थक हार कर ले लिया बड़ा फैसला। खुद अपनी कप्तानी पर सवाल उठाए रोहित ने इस सीरीज के 5 कारण बताए, जिसका डर था आखिर वही हो गया। रोहित के साथ साथ बिखर गई पूरी टीम इंडिया। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के हार के बाद अपने आप को बिल्कुल ही टूटा हुआ महसूस किया, पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली और खुद बल्लेबाजी और कप्तानी पर अपने सवाल उठा दिया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला, जो एक उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस सीरीज में व्हाइट वॉश होने से यानी कि दोस्तों क्लीन स्वीप होने से बच जाएगी, वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तीसरा टेस्ट मुकाबला भी टीम इंडिया गंवा चुकी है। इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस टेस्ट सीरीज के आखिरी व अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बनाए थे, जहां पर डल्ली मिचेल ने 82 बनाए। उसके बाद दोस्तों टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आती है। फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया का स्कोर ठीक ठाक रहा था, इवन न्यूजीलैंड से ज्यादा भी रहा था, 263 बनाए थे टीम इंडिया ने। शुभमन गिल के 90 रन के हाईएस्ट स्कोर थे। उसके बाद दोस्तों सेकंड इनिंग शुरू होती है और यहीं से टीम इंडिया को एक खराब प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड को जहां हम 150 के नीचे ऑल आउट कर सकते थे, वहां हमारी खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग की वजह से हमने न्यूजीलैंड जैसी टीम को सेकंड इनिंग में 174 बनाने का मौका दे दिया। अब इसमें यहां पर दोस्तों 174 जब यहां पर न्यूजीलैंड ने बनाए तो यहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए यहाँ पर अभी भी 146-47 रन चाहिए थे। अब 147 रन वैसे तो बहुत बड़ी स्कोर नहीं होती है जब आपकी टीम में दोस्तों बड़े बड़े धुरंधर बन रहे हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम होने के बावजूद भी टीम इंडिया इस मैच में 25 रनों से हार गई। हाईएस्ट रन स्कोरर रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने 64 रन बनाए। अब मैच के बाद सबको लग रहा था कि यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा, क्योंकि रोहित शर्मा यहाँ पर बिल्कुल ही गुस्से में नजर आए थे। ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा ने बयान में काफी कुछ बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि मैच या सीरीज हारना आसान नहीं होता है, हम अच्छा नहीं खेले, न्यूजीलैंड की टीम ने हमसे बेहतर ही प्रदर्शन किया, हमने रन नहीं बनाया, हम मैच से काफी दूर रहे, इस मैच में हम लीड नहीं बना सके, टारगेट इस मैच में चेस करने वाला था, लेकिन हम एक टीम के तौर पर पूरी तरीके से हार गए हैं, हम अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए कि जो कि हमें इस कंडीशन में खेलना चाहिए था। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं जैसे कि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं खुद, ये लाइन याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के तौर पर फेल हुआ हूं। उन्होंने कहा ना मैं बल्ले से कुछ कर पाया, ना ही अपनी कैप्टेंसी से कुछ कर पाया। अब रोहित शर्मा जब ये बातें बोल रहे थे तो क्लियर एक बात नजर आ रही थी कि वो क्लियर अब एक संन्यास की घोषणा की तरफ एक इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो मायूस नजर आ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इससे कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही उनके संन्यास का ऐलान आ सकता है। आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।